श्री श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रियावर रामचंद्र भगवान की जय। भवत सुख हनुमान की जय। स्वातंत्र होगा भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव का पुनः सूर्योदय होगा। 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया था, लेकिन कुछ चाटुकार और कुछ अंग्रेजों के गुलाम लोगों ने इस देश की सत्ता को संभाल लिया। राजनीतिक परिवार बन गए और उन परिवारों ने देश की उस समय 40 करोड़ आबादी थी, आज 140 हो गई। उस आबादी को ऐसे चक्रव्यूह में डाला कि हम रोज सोते तब सोचते शायद कल कुछ अच्छा होगा, ये सरकार कुछ अच्छा करेगी, ये नेता कुछ अच्छा करेगा, और एक परंपरा बन गई राजतंत्र में कि नेता मतलब झूठा। आज भारत के बच्चे बच्चे से पूछिए, नेता मतलब ईमानदार, नेता मतलब सच्चा, वो कहता नहीं, नेता मतलब झूठा। इसलिए आज 70 साल होने को आ गए, 75वां वर्ष मना रहे हैं हम आजादी का, लेकिन भारतीय राजनीति की स्थिति बड़ी दयनीय है, और विशेषकर उन मूल निवासियों की जो हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान के मूल निवासी हिंदू समाज, चाहे वो ट्राइबल हो, SC ST किसी भी वर्ण वर्ग का हो, उनकी अत्यंत दुर्दशा हुई है। और केवल वोट बैंक के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में सत्ता ने कुछ विशेष लोगों को मलाई खिलाई है और हिंदू समाज की दुर्दशा होती चली गई। आज भी हिंदू समाज प्रतीक्षारत है कि शायद कोई आए, हमारा दर्द, हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारा दुख समझे। कोई समझने वाला नहीं, बहुत बड़ी चोट लगती है, छोटी सी बैंडेड लगा देते हैं, कभी मलम लगा देते हैं, और प्रचारी इतना कर देते हैं कि बस हिंदू इतने ही काम हो रहा है, और देखने जाओ तो कहते हैं ढाक के तीन पार। इसलिए हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में वीर सावरकर जी के और मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयास से हुई। हिंदू समाज को कोई राजनीतिक बल चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह राजनीति में प्रखर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। आज 75 वर्ष हो गए, हालांकि एक सच्चा हिंदू, एक संत मदन मोहन मालवीय जी, वीर सावरकर जी जैसे केवल राज पद पाने के लिए जन्म नहीं लेते। वो कहते न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम, ना पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशम। हम केवल राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए या मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन जब जब एक संत हो गए हमारे भारतवर्ष में, संत करपात्री जी महाराज, उन्होंने भी एक राजनीतिक संस्था और हिंदू महासभा में वो भी रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप तो सन्यासी, आपको क्या मतलब ये सब राजनीति करने से और ये सब बातें करने से। तो उन्होंने कहा हाँ मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो बोले मैं जो कष्ट से पीड़ित है, 1000 वर्षों तक जिनको तोप से बांध करके उड़ा दिया गया, उन हिंदुओं को जिनको पशुओं से भी गया बीता, जिनके साथ व्यवहार किया गया, उन हिंदुओं के लिए जिन माताओं को, बहनों को भोग की वस्तु समझ करके दुष्ट मुगलों ने, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उन हिंदुओं के हित के लिए लड़ रहा हूँ। और अगर मैं जाऊँगा भगवान के पास, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप ठीक है सन्यासी थे, साधु थे, लेकिन आप जानते थे कहीं अधर्म, अनीति, अत्याचार हो रहा है, और ये जानते हुए भी आपने अधर्म, अनीति, अत्याचार के लिए क्या किया, तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं केवल हाथ में माला लेकर बैठ नहीं सकता हूँ, मैं अगर एक हाथ में माला रखूंगा तो एक में भाला लेकर के हिंदू समाज के लिए खड़ा रहूंगा।